आगरा के सूदघोर करना चाहते हैं मकान पर कब्जा। लॉकडाउन में एक परिवार ने मकान गिरवी रख लिया था ब्याज पर पैसा। ब्याज समेत रुपए वापस करने पर भी सूदघोर की निगाह मकान पर है। सूदघोर अपने आप को बताता है भाजपा का नेता और करता है दबंगई। पुलिस से गुहार लगाने पर भी पुलिस ने नहीं की सुनवाई। ब्याज सहित पैसा लौटाने के बाद भी मकान के असल दस्तावेज नहीं कर रहा है दबंग वापस। उसका ब्याज का काम है, उसने मुझसे खुद कहा था कि भैया तुम्हारी समर सूख गई है, तुम 150-200 रुपये रोज पे पानी भरते हो, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लो और समर लगवा लो। कौन है ये रईस सैफी? रईस सैफी जो है हमारी गली में रहते हैं, पड़ोसी हैं। बीजेपी नेता है? कौन है? हाँ साहब, बीजेपी के नेता हैं। क्या हुआ, कितने पैसे लिए? फिर क्या हुआ सर, मैंने उनका पैसा दे दिया और ब्याज भी दे दिए, एग्रीमेंट भी कैंसिल करा दिया, मकान की रजिस्ट्री नहीं देते हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर वो कौन सी ब्याज बोलते हैं, वो चल रही है चतुर्वती बोलती है, क्या बोलते हैं, 10 लाख रुपए हो गए या तो मकान खाली कर दो। कितने पैसे लिए थे? अरे साहब मैंने लिए थे 50,000 का एग्रीमेंट था, उन्होंने 42,700 रुपये दिए थे, बाकी के पैसे दिए ही नहीं, जिसकी मैं ब्याज देता रहा हूँ 5%। ब्याज पहले काट? हाँ ब्याज पर मैं ब्याज देता रहा हूँ 5% की, बोल रहे थे अगर चीज़ रख के लोगे तो 5% है, बगैर चीज़ को।